केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है और इसी कारण से अठावले ने बीजेपी नेतृत्व के सामने सीट की मांग रखी है, लेकिन इस पर जवाब नहीं आया है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं और अठावले चाहते हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को 2 सीटें दे। दरअसल 18 अक्टूबर को जनसत्ता कॉम के संपादक विजय कुमार झा के साथ बेबाक कार्यक्रम में अठावले ने कहा कि एक दिन पहले ही बीजेपी नेतृत्व से उनकी बात हुई है, जिसमें उन्होंने ये मांग रखी है। आज अठावले एमपी के भोपाल भी जा रहे हैं, वहाँ भी वो भाजपा नेतृत्व से मिलेंगे और अपनी पार्टी की मांग रखेंगे। मध्य प्रदेश में आरपीआई चुनाव लड़ना नहीं चाहती, वहाँ के लिए अठावले की नीति ये है कि बीजेपी को सभी सीटों पर समर्थन देने की पेशकश करे और बदले में अगर सरकार बनी तो सत्ता में भागीदारी की गारंटी मिले। अठावले का कहना है कि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी का कोई आधार नहीं है, लेकिन चुनाव वाले बाकी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में उसके कार्यकर्ता व समर्थक अच्छी संख्या में है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें महाराष्ट्र की सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। यूपी का जिक्र करते हुए अठावले ने कहा कि वहां उनके पार्टी के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने दावा किया कि आरपीआई राज्य में बसपा का विकल्प रखती है। कई मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो बसपा का विकल्प बनाने का ताकत रखते हैं, ऐसे में भाजपा में नहीं जा सकते, लेकिन आरपीआई के संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को यूपी में आरपीआई को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।